जहां पर एसडीएम जगदम्बा प्रसाद का विवादित बयान सामने आया है। एसडीएम ने बिजली विभाग के जेई को फटकार लगाते हुए कहा कि नपुंसकों की तरह काम करोगे तो लोग ऐसे ही आपके कार्यालय के बाहर अतिक्रमण करेंगे। नगरपालिका ईओ का कहना है कि नगर में गंदगी है, नाले नालियां चौक है, सड़क किनारे कोई भी अतिक्रमण कर लेता है, कोई भी कहीं भी होर्डिंग्स लगा देता है, इन्हें तत्काल हटाओ वरना आपके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तकरीबन आधे घंटे तक दोनों अफसरों की अपर जिलाधिकारी ने जमकर फटकार लगाई। जिलाधिकारी जगदम्बा प्रसाद गुप्ता ने नगर पालिका के ईओ और बिजली विभाग के जेई की जमकर फटकार लगाते हुए कहा है कि या तो आप सुधर जाइए वरना विभागीय कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। दरअसल नगर पालिका ईओ ना तो नगर में साफ सफाई का काम बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं और न ही फर्जी तरह से जो लोग होर्डिंग्स कहीं भी लगा देते हैं उनको रोक पाने में वो कामयाब हो पा रहे हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क के सामने एक नोटिस भी चस्पा किया गया है जिसमें लिखा गया कि यहाँ पर किसी भी राजनीतिक दल का कोई होर्डिंग्स नहीं लगाया जाएगा। बावजूद तमाम सारे होर्डिंग्स, चाहे निरीक्षण भवन हो या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क, इसके अलावा नगर की सभी सड़कों पर जो मन में आता है, जिसके मन में आता है, कहीं भी अपना डंडा खड़ा होकर झंडा गाड़ देता है, यानी कि होर्डिंग्स लगा देता है। और अभी इन सब चीज़ों को लेकर जगदम्बा प्रसाद गुप्ता ने उनको कहा है कि आप सारे होर्डिंग्स उतरवाइए जो अवैध तरह से लगे हुए हैं, साथ ही जहाँ जहाँ पर गंदगी है उसको सफाई करिए। और बिजली विभाग के जेई की इसलिए फटकार लगाई कि उन्होंने अपने बिजली कार्यालय के बराबर में एक लोहे का खोखा रखवा दिया और खोखे में कार संभालने का काम होने लगा। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर भ्रमण के दौरान उन्होंने फटकार लगाते हुए एक बार मौका दिया है और इस मौके पर वो कोई काम नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि अब अपर जिलाधिकारी जगदम्बा प्रसाद गुप्ता जेई और नगर पालिका के ईओ के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करते हैं, क्योंकि आदेश तो उन्हीं के हैं और अधिकारी भी उन्हीं के हैं, क्योंकि आदेश कोई पहली बार नहीं हुआ है, आदेश लगातार होते रहते हैं, लेकिन उनके अधिकारी ही अपने अधिकारियों का धज्जिए उड़ाने में जरा भी संकोच नहीं करते। बहरहाल अब इन सब चीज़ों को लेकर आदेश दिया गया है और उनकी फटकार भी लगाई गई है। ये फटकार कितना कारगर साबित होती है, इसी पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। रामपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए ओमपाल सिंह, राजपुर।